एक और दौर का वो तकाजा किधर गया, उमड़े हुए वो होश के धारे कहां गए। कुछ लोग सोचते हैं असेंबली में बैठकर वो प्रोटोकॉल और वो नजारे कहां गए। इस सब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, उस वक्त भी बिजली भी आने जाने लगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम जो कर रहे हो ना बस वही करते रहना। बस मियां बताना था जरूरी। तशरीफ लाने बासु चौधरी। दुनिया न्यूज और मजाक रात को देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। लगते ही नहीं कपड़े वेखो तुम, इन लगता मजाक रात दुध देना है। ये नया पाकिस्तान है, ऐसे कपड़े होंगे। नए पाकिस्तान पुराने कपड़े वो पा रहे थे। नवा पाकिस्तान और नई जॉब। अच्छा जी जी, हम सब्जी मंडी में लग गए। कर दे की नहीं? छोटे आलू तो बड़े आलू अलग अलग कर दे। लेकिन है ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं तो। हाँ तो ये कौन बैठी है आज? आपकी मुलाकात नहीं हुई इनसे? नहीं अभी अभी देखा ही है, माशाल्लाह प्यारी है। हिबा वकार इनका नाम है। अपना इंट्रोडक्शन कराइए और बताइए कि आपने क्या किया हुआ है। जी मैंने मीडिया स्टडीज किया है किनेट कॉलेज से। मीडिया स्टडीज? अच्छा अच्छा, आपने सिर्फ मीडिया स्टडीज किया है? इधर देखो डिप्लोमा किया है। अब तो हमारे साथ ही आप काम करेंगे। तो कुड़ियां प्यारियां दी ना, अपनी जिंदगी है। वैसे मां प्यो को कुछ चीज मंगने में उसी कुड़ी तो फौरन मामा मैं आइसक्रीम देनी तो फौरन लै दें। सानू मां प्यो उदो चीज लैके दिता जो अभी जमीन से नागन डांस कर दे। माशाल्लाह मेकअप इनको बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी। कल जा रही तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहां जा रही है? कहती बस मैं खुदकुशी करने जा रही हूं। अरे मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कहा इतना मेकअप क्यों किया हुआ? कहने की सुबह अखबार में तस्वीर भी तो जब। अरे यार किसे व्याह ते जाके दो प्लेटा बिरयानी दियां, बताली नान, कोरमा, कस्टर्ड, आइसक्रीम खा के एंड ते कह रहे मम्मी पेट में दर्द हो रहा। अगो मावा भी मासूम नहीं है। तेन मैं क्या ही ना, लाल सूट ना पा तेन नजर लग जानी है। एहो जी कुड़ी सब्जी वाले ने लड़न रही होंगी। देखो सब्जी सही ना दी, मैं पक्की पकाई वापस कर दांगी। अगो सब्जी वाला भी कहने होंगे बाजी फिर नाल दो रोटियां भी लैन। एहो जी कुड़ियों जुगतां हो रही ना, तो उन्होंने एंकर भरा गुस्सा कर रहे होंगे। अफसोस इस बात का है कि आपके पास सामने एक नई लड़की आके बैठी हुई है और आप ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नए नवेले लोग आपको पसंद नहीं है, कुछ पुरानों को बुला लेना चाहिए। तो पुरानों को बुला ले सर। जी तो बुलाते हैं अपने पहले मेहमान को। आज उनकी हुकूमत है और अब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ख्वातीनो हजरात प्लीज वेलकम खैबर पख्तूनख्वा के फैजुल हसन चौहान जनाब शौकत यूसुफ जई। शौकत भाई के साथ हमने दावत दी हुई है हमारी दूसरी मेहमान, खासतौर पर कराची से शीप लाई हुई हैं, मॉडल हैं, एक्टर मोहतरमा अनमोल बलोच। आज एक पैगाम शेर की शक्ल में असद उमर साहब को देना सर, ये वो हमारी नहीं सुनते। आखिरी आपसे कादी सो रही है, समझा करे आखिरी बात निकले। आखिरी बार देख लू मैं इसे, आखिरी बार मैं देख लू इसे, अब ये घर भी नहीं रहा मेरा, टैक्स कम काटिए तनख्वाह से मेरी, पर वो सुनते नहीं कहा मेरा। फिर जी पखा ते चलदा हवा क्यों नहीं देंदा? पखा ते चलदा हवा क्यों नहीं देंदा? स्पीड एदी तू वधा क्यों नहीं देंदा? ग्रीस इनू तू करा क्यों नहीं देंदा? जे फिर भी नहीं मनदा ते ला क्यों नहीं देंदा? मेरा शौकत साहब के लिए शेर
जी कि मैं उसे जितना भी हंसाने की कोशिश करूं वो फिर भी रोता है। तू ना कहने तू ना कर। मैं उसे जितना भी हंसाने की कोशिश करूं वो फिर भी रोता है। शौकत भाई, दो बीवियां 12 बच्चे कैसे गुजारा होता है? ये तजुर्बे बताने से नहीं होता है, तजुर्बे करने से आपको पता चलता है। नहीं सर, नहीं, ये देखिए उन्होंने बात कर दी है। शौकत भाई, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये कि आपकी हुकूमत ही आ गई, दूसरी ये कि आपकी हुकूमत आ गई, और तीसरी ये कि माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही सीधा कहां। तो हमने सुना था कि टिकट नहीं मिल रहा था और कितनी एक वो अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, फिर जब टिकट मिल गया तो आपका इलेक्शन हुआ और फिर आपका इलेक्शन दोबारा होना पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो अक्सर जो फिल्म बनती है ना, तो उसके लिए पहले से डायलॉग लिखे जाते हैं, तो सिचुएशन जो हीरो के लिए होती है ना, बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। बाद में फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ये फिल्म बताए कौन सी थी जिसके अंदर ये हीरो फंसा हुआ था? बस थी, लेकिन अब माशाल्लाह हालात ठीक हो गए। नहीं मगर हीरो तो जीत गया आखिर में, तो गाने कितने? मैं डबल जीता हूँ। पहली मरतबा मैं जीता 2000 वोट से। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, खवातीन ने वोट नहीं डाला। अच्छा। तो मैंने कहा हो सकता है खवातीन मुझसे नाराज हो, हाँ वोट कम पड़ा। तो फिर आपने क्या किया उनको मनाने के लिए? ऐलान किया तीसरी करूंगा। और जब रीपोलिंग हुई तो 21,000 से जीता। बहुत अच्छा। खवातीन ने पहले वोट नहीं, नहीं दिया था, जिसकी वजह से रिकाउंट हुआ। हमने वहां रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट की कि वोट डालें। वो निकली, वोट डाला। ये अनमोल कैसा लगा वैसे आपको? ये एक्चुअली किस्सा ही, मजाक नहीं कर रहे? फाइनली जीते, और यानी कि क्या कमाल। नेशनल असेंबली के उम्मीदवार है, उसने 34,000 वोट लिए। अच्छा। मैं सुबाई असेंबली का, तो मैंने 42,000 वोट लिए। ओए होए होए होए, यानी कि नेशनल औरतों ने इन्हें वोट पाए। ये तो गली से जान औरतों के लिए कोठे जाओ। फवाद खान आ गया। सर वैसे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह हमेशा हम आते हैं तो एक नया रूप एक आता है, तो इस पर तो हम और यंग लगना शुरू हो गए शौकत भाई। ये आपको ये तकलीफ जो होती है कि मैं कैसे लगता हूं? सर नहीं सर नहीं, ये आप बताएं क्या इसका राज क्या है? ये हर बार ये क्या मिनिस्टर बनने की वजह से नूर पड़ा हुआ है, इस बार ये क्या है? ये नहीं, मिनिस्टर बनने से तो प्रेशर आ गया। पहले तो मैं बड़ा खुश होता था, आप यहां देखते थे मुझे, जब मिनिस्टर नहीं था तो अच्छा था। देखिए मेरे ख्याल से इंसान को ज्यादा कि वो नहीं करनी चाहिए, जो है उस पर शुक्र। और दूसरा ये कि ज्यादा क्या नहीं करनी चाहिए, जो हिरस होती है ना कि इंसान कहे कि दो है तो तीन हो जाए, तीन नहीं तो चार हो जाए, इस तरह। अच्छा, ये हिरस नहीं करनी चाहिए। ए फिर सानू ने समझाओ, आप ही समझो। अनमोल कैसी लग रही हैं आपको? आपकी मुलाकात है शौकत साहब से पहले? नहीं कभी भी नहीं। आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? खैर आप कराची में होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। आप देखें कैसे जबरदस्त लगते हैं कहीं से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इतना गुड लुकिंग आदमी। तो आप टर्किश ड्रामों में ऐसे लोग होते हैं जो हेमंत के अबू का रोल करते हैं? हाँ जी होते हैं। मैंने इनसे कहा आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? ये तो आपने कहा, ये कह दिया मैंने इनसे। और इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्होंने कहा जी मैं एटम सॉन्ग करूंगा पहले आप। एक्टिंग के लिए लोग बने होते हैं। हाँ जी, मैं शायद नहीं, आप लाइव एक्टिंग कर लूं, लेकिन उस तरह की चौके में ये मॉडेस्टी दिखा रहे हैं। आप बताएं इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि बस यही कहा ना। आप उनको बताने दे रहे सर, आप इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं आए, ये सवाल खातून से, आप बताएं अनमोल इन्होंने क्या कहा? बस इन्होंने यही कहा कि बस मुझे दिल नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और इन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या करती हैं? हाँ मैंने पूछा। अच्छा, मुझसे पूछा ना, मैं बताऊं ना। आप बताइए सच्ची के शौकत भाई की एज क्या लगती है? 35 to 40। इन्हों का जोड़ा बड़ा मुंडा ना रेलवे चो रिटायर होया जे। ऐसा कॉम्प्लीमेंट बड़े अरसे से मैंने नहीं देखा कि माशाल्लाह 35-40। नहीं, ये तरक्की करती जाएंगी इंशाल्लाह। देखें वो बच्ची ने कहा है कि आप हैं 40 के, मगर ही इज नॉट 40, एक्चुअली इज 42। सही बताता हूँ, मैं 56 हूँ। ना नो उसी बच्ची का तो साढ़ा दोनों का दिल तोड़ दो। अब आपको और मैं शौक दू? शौक में खुद ही हंसना शुरू हो गए। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, बड़े जबरदस्त है। और इनका एक जो हलका था पहले, इससे पहले इट वॉज द सेम हलका जहां से दिलीप कुमार साहब, राज कपूर एंड शाहरुख खान की फैमिली भी थी,
तो मैं यही बताने लगा था आप क्यों घबरा रहे हैं। आप लड़के एक तरफ कर दें और एक आप शौकत भाई को एक तरफ। मुझे लगता है कि मेरी फिर छुट्टी होने वाली है। नहीं, मगर सर एक बात है करने वाली, वो देखे सर ये आई एग्री वो ये देखे, वो कह रही है कि आई एग्री, ये बात एक प्रोग्राम में हुई थी और उसमें कहा गया था कि आप अच्छे हेल्थ मिनिस्टर हैं। मैं पिछले दफा हेल्थ मिनिस्टर थे, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से 5 दिन बाद मेरी छुट्टी हो गई कि जी आपके कैबिनेट में एक ही मिनिस्टर है जो अच्छा लगता है। अच्छा, तो वो मिनिस्टर फिर हट गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हैं तो मैं दिन गिनूंगा। नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल आप प्लीज इस किस्म की बातों को माइंड ना करिएगा। ये एक देखे, एक इंसान जैसा भी लगता है वो, अब उनकी किस्मत कह लें, उनकी मेहनत कह लें कि वो ऐसा करते हैं। अब अगर फवाद चौधरी नहीं टाइम निकाल पा रहे जिम के लिए तो ये इनका मसला तो नहीं है। मतलब आई अंडरस्टैंड, अभी आपने मुझे जिस तरह कहा था बैक स्टेज के मैं आया हूं लाहौर, तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या लाहौर में करना चाहते हैं। आपने कहा था कि मैं जाके देखना चाहता हूं उस्मान बुज़दार साहब को। तो आप कब का प्लान है उस्मान बुज़दार साहब को देखने का? मेरा तो आज मेरा टाइम ही नहीं है। अब ये आप गलत कर रहे हैं, देखें हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनको मिलने तक नहीं जा रहे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, छोड़े वो अपना काम करें ताकि लोगों की खिदमत करें। चीफ मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब ना करें, बुज़दार साहब को हम नहीं मिलना चाहते। आप तरीन साहब को मिल, क्यों नहीं मिलना चाहता, मैं मिल लूंगा। नहीं, आप तरीन साहब को मिल जाए। तरीन साहब तो हम इकट्ठे होते हैं इस्लामाबाद में। अरे नहीं, लाहौर में मिले ना। नहीं, वो लाहौर में नहीं होते, इस्लामाबाद में होते हैं। आपको किसने कहा कि लाहौर में नहीं होते? इस्लामाबाद में होते हैं सर। अच्छा, उनका घर वहीं पे, आपकी इतला के लिए। यहाँ भी है उनका, यहाँ भी है, लेकिन होते वहाँ पे। यार आप उसी जा रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा ना हसो तो सैलम हो जाने। यार नहीं, जो मुक्त ही नहीं है। कॉन्फिडेंस शाहरुख खान वाला है। कॉन्फिडेंस शाहरुख खान का हल्का था, तो शाहरुख खान हल्का सा तो होगा ना बीच में। जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ था 2013 में, वहाँ दिलीप कुमार साहब का घर है, शाहरुख खान का घर है, अभी भी है, करीना कपूर की जो फैमिली है उन सब। करीना कपूर का ना कड़ा चौथी की किताब जाना है। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, ते मेरी कौम ने खुशहाली ना देखी होगी। इनके बच्चे नहीं आसानी से पलते होंगे, चंद हाथों में ही महदूद हो गई दौलत, हर घड़ी ये किसी इमदाद को सकते होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, रल के बोलो आ। यार जब से पीटीआई का हुकूमत है, हाँ? मेरा बीवी इतना दलेर हो गए, हैं? पे सुता पिया, हाँ? मेरे सिर दे विच सास पान मारे, मैं उन्हें घरों काट भी नहीं सकता। क्यों? मैं अपने ससुराल के घर रहना ना।